अमन, आपको क्राइम मास्टर गोगो के बारे में तो पता ही होगा। वो आंखें निकालकर गोटियां खेलते थे, मगर हम उन गोटियों की बात करने नहीं आए हैं। हम उनकी बात करने आए हैं जिस पर एक मर्द का फ्यूचर डिपेंड करता है। और अगर कहीं वहां लात पड़ जाए तो दर्द भी बहुत होता है। आप तो समझ ही गए होंगे कि हम कौन हैं और किस बारे में बात करने आए हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, हम हमेशा चिपक कर रहते हैं। वुमेन के सपोर्ट के लिए तो सालों पहले ब्रा बना दी गई, मगर हमारे दो भाइयों के सपोर्ट कौन करेगा? अंडरवेयर की करंट डिजाइन की वजह से हमें शेफिंग, रैशेस और इचिंग जैसी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। हर आदमी को दिन में कई बार अपना अंडरवेयर एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि पब्लिकली काफी एम्बैरेसिंग हो जाता है, साथ ही साथ लेडीज को भी काफी अनकंफर्टेबल फील करवाता है। बहुत हो चुका है यार, अब हम चिपक कर नहीं रह सकते। इट्स टाइम टू ब्रेक फ्री। अलग अलग करोगे? उफ, व्हाट अ रिलीफ। टीम कैसे आ गए लेकिन, ये कौन सा? नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अंकित। मेरा नाम है अंशुमान। और मेरा नाम है मोहित, और हम हैं फाउंडर्स ऑफ टू बॉल्स। टू बॉल्स एक मेंस इनरवेयर ब्रांड है, जहां हम लेकर आए हैं एक इनोवेटिव पाउच अंडरवेयर। हमारी अंडरवेयर मेल ऑर्गन और टेस्टिकल्स को बॉडी से सेपरेट करते हुए एक बेटर कंफर्ट और बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और साथ ही शेफिंग, रैशेस, इचिंग जैसी डिस्कम्फर्ट से भी छुटकारा दिलाती है। हम अपने अंडरवेयर को बनाने के लिए बीचवुड से बने हुए मोडाल फैब्रिक का उपयोग करते हैं, जो कि कंफर्टेबल एंड एरी होने के साथ साथ एंटी माइक्रोबियल भी होता है। इसकी शुरुआत हमने 2023 में की थी। आज हम अपने प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट और दो मार्केट प्लेस के थ्रू सेल कर रहे हैं। अभी तक हम 1000 पुरुष और 2000 बॉल्स को सपोर्ट कर चुके हैं। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम दुनिया के हर आदमी को एक कंफर्टेबल अंडरवेयर देना चाहते हैं, ताकि वो हर सिचुएशन में हमेशा कंफर्टेबल फील कर सके, कॉन्फिडेंट फील कर सके, और उन्हें कभी भी कहीं भी एडजस्ट ना करना पड़े। शार्क्स, हमारा आस्क है 30 लाख रुपीज फॉर 5% इक्विटी इन आवर कंपनी। सबसे पहले ये बताओ क्या प्रॉब्लम आई थी? ठीक है, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो उसमें ग्रोइन गार्ड होता है, उस टाइप का सपोर्ट अगर किसी अंडरवेयर में हो तो वो काफी कंफर्टेबल हो जाएगा और आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। इंडियन मार्केट में हमने काफी रिसर्च करा, उस समय कोई भी इस तरीके का प्रोडक्ट नहीं था, तो ये सोचकर और एक गैप दिखा हमको। आप लोग क्या करते थे पहले, इससे पहले? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। कहाँ से? IIT DAV इंदौर। एक साल जॉब किया है, फिर उसके बाद मेरा खुद का बिजनेस था। आपका बिजनेस किस चीज का था? IT सर्विसेस, और फिर अभी मैं इसमें फुल टाइम काम कर रहा हूँ। और आपका? मैंने भी इंजीनियरिंग करी है, हम तीनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं बेसिकली। देन उसके बाद में मेरे रिलेटिव्स का बिजनेस है, फ्यूल स्टेशन का, ISUL का पंप है, तो मैंने फिर वहाँ पे ज्वाइन करा, एंड देन उसके बाद में हम लोग फिर टू बॉल्स में। और आपका? इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। हमारा फैमिली बिजनेस फूड्स की ट्रेडिंग एंड प्रोक्योरमेंट करता था। और अभी क्या बोलती है फैमिली आपकी? अब वो काम से ये काम पे आ गए? कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल तो इसलिए क्योंकि आपके अंडरवेयर पहन रहे हैं, लेकिन बोलते कि आपके बिजनेस के बारे में। जब हमने रियल में उनको ये प्रॉब्लम समझाई, शुरुआत में तो उन्होंने भी बहुत हंसी मजाक में लिया, देन सीरियसली उनको लगा कि हाँ, ये रियली में प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा गैप है। गैप तो करना चाहिए। मैं कैन आई शो इट? हां जी, हां जी, प्लीज आप दिखाइए। सो बेसिकली ये हमारा टू बॉल्स पाउच है, और जब आप एक रेगुलर अंडरवेयर की तरह इसको पहनते हैं तो ये टेस्टिकल्स और मेल ऑर्गन को बॉडी से सेपरेट कर देता है, उसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है उनका, और प्लस साथ में स्वेटिंग, रैशेस, इचिंग में भी रिलीफ मिलता है, प्लस साथ ही साथ एक एम्पल सपोर्ट रहता है ऑल डे लॉन्ग विदाउट कंस्ट्रिक्टिंग देम। ये सेपरेट होके टेम्परेचर कम होता है इसका? यस। आपने इसका साइंस पढ़ा है? यस। यू हैव डिस्कस्ड विद डॉक्टर्स? जी। तो योर प्रोडक्ट इज सेफ टू यूज? बहुत सारे डॉक्टर्स भी यूज कर रहे हैं। आप जरा प्रोडक्ट दिखा सकते हैं? यस। You can take it there. Thank you. भाई डिजाइन भी बहुत गंदे है, मतलब कलर फील आजकल, जैसे आपने देखे हम लोग ने फर्स्ट सीजन में भी बमर करके एक ब्रांड आया था, और यू नो आजकल XYXX इतने अच्छे अच्छे ब्रांड आए। तो अभी हम ये अपने नए 8 कलर लाए हैं, और इसके साथ हमने सॉलिड्स कलर में डील किए। बट आपका जो यूएसपी है, आपको नहीं लगता कि ये एक
सबके पास ही डिजाइन ऑप्शन है, हाउ विल यू कम्पीट इन द मार्केट? आपका ये डिफरेंशिएशन कैसे रहेगा? आई थिंक मार्केट इज बिग इनफ फॉर एवरीवन, बिकॉज डॉलर डिक्सी जॉकी थे, उनके बाद में डमेंज XYXX और बमर भी आए। आप एक इनरवेयर कंफर्ट ओरिएंटेड पर इनरवेयर कंपनी के लिए आपका सॉरी टू से बट नाम बहुत बेहुदा है, मतलब इतनी इन योर फेस ब्रांडिंग वाली कंपनीज तो स्केल करती ही नहीं है। मतलब आपने अपना जो आपका USP है उसको अपना ब्रांड नेम बना दिया। और बॉल्स जैसा नाम तो इन योर फेस होना ही नहीं चाहिए, आप लेफ्ट एंड राइट भी रख सकते हैं। जब नाम ब्रांडिंग के लिए नाम सोचा था तो उसके दो रीजंस थे, एक तो था कि मार्केट ऑलरेडी काफी क्राउडेड है, तो नाम कुछ ऐसा रखना था कि अगर कोई एक बार सुने तो उसको ब्रांड रिकॉल हो। कौन बोलेगा कि मैं टू बॉल्स की अंडरवेयर पहनता हूँ? मतलब आप अपने कस्टमर को बोल रहे हैं कि मतलब मत खरीदो मुझे। क्या प्राइस पॉइंट क्या है आपका? सो बेसिकली हम लोग तीन कैटेगरी में अभी डील कर रहे हैं, जिसमें हमारा ब्रीफ का MRP 699 है, ट्रंक्स का MRP 799 है और बॉक्सर का MRP 849 है। जिसमें तो जॉकी आ जाता है। यस, बट हम भी प्रीमियम सेगमेंट में डील कर रहे हैं और अच्छे फैब्रिक और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। बट अगर मेरे को सेम प्रोडक्ट जॉकी देता है तो मैं उसका ले लूंगा ना। जॉकी आपको पाउच नहीं देगा, आज नहीं दे रहा कल दे देगा, कल दे देगा अगर इतना सेल बढ़ेगा। सर उस केस में तो हर चीज में है एक्चुअली, आप अगर उस तरीके से देखेंगे तो हर चीज में है, कंपटीशन तो है ही। लेट्स सी इफ यू हैव योर आई ऑन द बॉल। आपके नंबर से पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। 1000 बिके अभी तक, क्या नंबर? 1000 ही बिके। कब शुरू किया आपने? जनवरी 2023 से। अच्छा पिछले महीने किया, कितना सेल्स किया? अगस्त के महीने में हमने 164,000 की सेल की थी। अच्छा, और उसके पहले ग्रोथ क्या है? 165,000 का हमने जुलाई में किया था एंड जून में हमने 180,000 का सेल किया था। आपने कहा आपकी IT सर्विसेज की कंपनी थी। yes. कितना कमाते थे उसमें पर मंथ? 3-5 lakhs। और भाई आपका अंकित कितनी सैलरी थी? 45,000। और आपका भैया? क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस था तो ऐसा कोई सैलरी या ये तो नहीं था, बट करीबन 80-90,000 रुपए। तो 1,50,000 यहाँ पे हो गया, 3.5 आपका पकड़ लेते 5 लाख रुपए महीने की। आपने कहा कि यार अच्छी सी ये आमदनी है तीनों के बीच में, इसको छोड़ देते हैं, ये काम में लग जाते हैं। ऐसा क्या देख लिया भाई, हमको नहीं समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग से नहीं छोड़ा हमने उस बिजनेस में, हम पहले पार्ट टाइम रहे। 2019 में हमने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था। रीजन उसका ये था कि हमें इसका पाउच का डिजाइन रजिस्ट्रेशन लेना था, उसके लिए हमने इनकॉर्पोरेट की। छोड़ो यार पाउच का डिजाइन, मेरे को ये समझाओ कुछ तो हुआ होगा ऐसा कि आपको सडनली लगने लगा कि बॉस ये तो मतलब सॉलिड हमने बिजनेस पकड़ लिया है, माल बनाने से पहले ही बिक रहा है, तब जाके आपने 5 लाख हमारे साथ क्या हुआ भाई? आप 1.5 लाख की सेल बता रहे हो, कब हुआ? जनवरी में, जब चूंकि हम बहुत छोटे MAQ के साथ में लॉन्च हुए थे मार्केट में, और जब हम लॉन्च हुए उसके थोड़े ही दिन बाद हमारा जो हीरो प्रोडक्ट ट्रंक था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, वो अभी भी आउट ऑफ स्टॉक है। आप मैन को लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी इससे? नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई। कंज्यूमर रिसर्च करी, कुछ करा, किसी से पूछा ये प्रॉब्लम? हमें जो मेजर मतलब फीडबैक आए हैं तो उसमें जो कॉमन पॉइंट था सबका यही था कि वो इस बात से खुश है कि चलो इस चीज को लेकर के भी इंडियन मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ रहा है। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप टू बॉल्स की जगह 1 बॉल करके अंडरवेयर निकालो, ठीक है? उसमें भी आपको फीडबैक आएगा कई लोगों का कि ये बहुत सही चीज है, तो क्या आप वो धंधा करोगे? अभी ये बिजनेस मुझे इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा है, टू अर्ली है और मुझे नहीं लगता आपको पैसे की जरूरत भी है, तो मैं इसलिए बाहर हूँ, बट बेस्ट ऑफ लक। मेरे हिसाब से ये बिजनेस बहुत खराब है। That's fine. ये थोड़ा क्या बोलते हैं गिमिकी प्रोडक्ट है। Okay. और इट विल नॉट बी अ सीरियस बिजनेस एवर। आई एम आउट। मेरे हिसाब से इससे बेहुदा और वाहियात काम कोई नहीं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया आपने, आपने सोचा प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, कोई बिजनेस चल पड़ेगा, मैं आउट। गुड लक। मेरा मानना है भारत में अगर प्रोडक्ट बेहतर हो और दाम कम हो तभी लोग खरीदते हैं। आज मुझे लगता है कि आपने वो पूरी तरीके से प्रोडक्ट मार्केट फिट फिगर आउट नहीं किया है। आप इसे और परस्यू करिए और देखिए कि आगे चल करके राह कहाँ ले जाती है। मेरे तरफ से आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू। मैं आउट। अगर ये मान लेते हैं आपकी टेक्नोलॉजी वर्क करती है तो सारी ब्रांड्स की 6 महीने में आ जाएगी। माई सजेशन है आप उनके पास खुद चले जाइए, उनको कुछ बेच के पैसा निकाल सकते हैं तो वो निकालिए। ऐसे बिजनेस बनाना विद दिस ब्रांड नेम एंड लोगो एंड प्रोडक्ट मुश्किल लगता है। I'm out. Best of luck.
ओके थैंक यू. चलिए प्रूव अस रॉन्ग. गुड लक. थैंक यू. थैंक यू. गुड लक. देखो मैं भी ना एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सपोर्ट करता हूँ. ठीक है, मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन सही दिशा भी दिखाना हमारा फर्ज है. आप इनको बोलो कि आप कोई भी बिजनेस गलत नहीं है, तो वो भी आप गलत कर रहे हैं. बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनरवेयर बिजनेस इज अ गुड बिजनेस. दे जस्ट अंडरवेयर बिजनेस थोड़ी है. अंडरवेयर इज अ गुड. आई हैव टू अंडरवेयर ब्रांड. इतना क्लटर्ड मार्केट है. क्लटर्ड मार्केट ही आती नहीं है यार. कंफ्यूज राइट. ये 100% इन्होंने टेलीविजन फेम के लिए स्टार्ट किया.